नमस्कार दोस्तों, आजकल का दौर भाग दौड़ वाला है, इसमें समय की सबसे ज्यादा कीमत है। ऐसे में सब कुछ झटपट करना होता है, ऐसे में चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन ऐसे में चेहरे की रंगत के साथ भी तो समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप केवल 7 मिनट में ही अपने चेहरे को रिफ्रेश कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि सभी चीजें प्राकृतिक हैं और आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। सबसे पहली है ग्रीन टी। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल तत्व चेहरे के लिए बेहद लाभदायक होते हैं और स्किन को कोमल और स्वस्थ बनाते हैं। तो ग्रीन टी को पानी में तैयार कर लें और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इसके बाद अपने चेहरे को ग्रीन टी से धो लें। आपके चेहरे पर तत्कालिक तौर पर ताजगी आ जाएगी। अगला है ठंडा पानी। चेहरा दिन भर की भाग दौड़ से थक गया है और त्वचा बेजान सी हो गई है, तो बस फ्रीजर से बर्फ निकालें, उसका ठंडा पानी लें, उससे अपने चेहरे को धो लें। ये सबसे सस्ता और कारगर स्किन टोनर है जो चेहरे को मिनटों में ही फ्रेश कर देगा। अगला है गुलाब जल। गुलाब जल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो चेहरे पर दाने नहीं होने देते, साथ ही ये बेहद कोमल और रिफ्रेशिंग भी होते हैं। ये कम खर्च वाला कमाल का सरदार प्राकृतिक मेकअप प्रोडक्ट है जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा और आपके चेहरे को रिफ्रेश कर देगा। अगला है दूध। त्वचा को रिफ्रेश करने के लिए फ्रिज में रखे ठंडे दूध को निकालें और उसे चेहरे को धो लें, या फिर एक कॉटन बॉल की मदद से इसे लगाकर पोंछ लें। इससे चेहरे के रोम छिद्रों की गंदगी निकल जाएगी और त्वचा कोमल और फ्रेश बनेगी। अगला है एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसके पत्तों का गूदा चेहरे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और उसे हाइड्रेट करता है। त्वचा पर थकान या फिर तनाव महसूस करने पर एलोवेरा के पत्तों का रस निकालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ हो जाएगा और त्वचा में दोबारा से नई ताजगी भी आएगी। तो आज बताई गई चीजों में से आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर ही आप अपने चेहरे को रिफ्रेश कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो थम्स अप का बटन दबाकर हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर स्किन से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।